जनपद हापुड़ में बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने किसान के मसीहा व देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती नूरपुर गांव में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर किसान दिवस के रूप में मनाई गई। उसके बाद तेजपाल प्रमुख ने अपने जिला कार्यालय पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख का कहना है कि चौधरी चरण सिंह ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता में विशेष योगदान दिया है और हमारा सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह के रूप में देश का पांचवा प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री, केंद्र में गृह मंत्री और केंद्र में उप प्रधानमंत्री हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में एक किसान दलित मजदूर का मसीहा पैदा हुआ। चरण सिंह ने देश के किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज देश में किसान मजदूर दलित विरोधी सरकार है। आज देश का अन्नदाता महीनों से कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर बैठा है, परंतु देश के प्रधानमंत्री व भाजपा सरकार को किसान की कोई चिंता नहीं। देश के प्रधानमंत्री अंबानी के घर पोता होने पर उनके घर लड्डू खाने चले जाते हैं, परंतु देश के किसानों के बीच आने की कोशिश भी नहीं करते। चौधरी चरण सिंह जी का एक नारा था कि किसान और मजदूर हमारे देश का जो मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा और खेत खलिहानों से भारत की खुशहाली का रास्ता निकलता है। और एक नारा था जय जवान जय किसान। तो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी थे। तमाम ऐसे काम चौधरी साहब ने किए जो किसानों के हित में रहे और किसानों से ही आज इस देश को पहचाना जाता है। NBC न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।